अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमो ड्रेस डिज़ाइनिंग। आज की इस वीडियो में आप लोग जो है ये पेंट स्टाइल जो पॉइंटा होता है इसको प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से रेडी करना है ये आप सीखेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर अपनी जो तैयार लेंथ है उसका आपने यहाँ पर साइड पर उसको मार्क कर लेना है, ठीक है, काट लगा लेना है। और हमने इस पेंट ट्राउज़र के लिए 5 इंचेस जो है कपड़ा नीचे से एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल लेंथ है जहाँ पे आपको कट नज़र आ रहा है, और नीचे जो है 5 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। इसको भी मैंने सेंटर से कट नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी ओरिजिनल लेंथ के अकॉर्डिंग जो है एक यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है कट के साथ। पूरी मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई और उसके बाद मैंने 1 इंच दूरी पर जो है दूसरी लाइन मार्क की है, ठीक है। हमारी जो ओरिजिनल लेंथ है उससे 1 इंच नीचे की तरफ जो है मैंने एक और लाइन मार्क की है। अब इसके बाद इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है, और कट करने के बाद हमने इसको सेंटर से सिलाई करना है, क्योंकि पेंट ट्राउज़र जो होता है उसमें हमेशा हम सेंटर से जो है उसकी सिलाई आती है जस्ट लाइक पेंट। तो हमने इसको सेंटर से कट करना है, लेकिन मार्किंग हम अपनी सारी की सारी पहले कर लेंगे। और अगेन याद रखें जो नेफा होगा उससे आपने अबाउट 5 इंचेस 4 इंचेस कपड़ा जो है नेफे के अलावा हमने ट्राउज़र का ज़्यादा लेना है। ये देखिए इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे, और उसके बाद हमने इसको स्टिच कर लेना है सेंटर से। इधर से हम स्टिच करेंगे, इसकी सेंटर की सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1/2 इंच जो है आप देंगे बीच में सीम अलाउंस के लिए, और बिल्कुल स्ट्रेट हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। दोनों साइड्स जो है हम अपने ट्राउज़र की सेम ऐसे ही रेडी करेंगे, कपड़ा आगे पीछे ना हो, बिल्कुल इक्वल रखते हुए हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। अगर आपकी तैयार शलवार 36 इंचेस है तो आप इसमें यहाँ पर 41 इंचेस जो है पेंट ट्राउज़र के लिए 41 नीचे यानी कि 5 इंचेस लेंगे, और 2 इंचेस आप ऊपर नेफे के लिए रखेंगे, तो ये 43 इंचेस टोटल हो जाएगा। ये देखिए सेंटर से हमारी सिलाई लग जाएगी। ऊपर से और नीचे से जब हम सीम अपना स्टार्ट करेंगे तो उसको लॉक करना ज़रूरी है, लॉक कर देंगे। अब इसके बाद हमने ये सेंटर वाली जो सिलाई है इसको ये देखें इस तरीके से हमने इसको सेंटर से प्रेस कर लेना है। ये देखें इस सिलाई को अब हम यहाँ पर रखेंगे, और आधी हम जो है सीम अलाउंस जो हमारा है आधा एक तरफ कर देंगे और आधा एक तरफ कर लेंगे। ये काम हमने तकरीबन जो हमारी तैयार लेंथ है ट्राउज़र की उससे तकरीबन 1/2 या 1 इंच ऊपर तक करेंगे थ्रू। पूरे को करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नीचे से जो भी हमारी सिलाई वगैरह आएगी उसके लिए ये हमें करना पड़ेगा। 6-7 इंचेस तक हमें इसी तरीके से दोनों साइड इसको फोल्ड करना है। ये देखिए अब इसके बाद हमने अपने यहाँ पर नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको अब हम फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें अबाउट 1 इंचेस हम यहाँ से गैप रखते हुए नीचे से थ्रू आउट इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए 1 इंच नीचे से मैं इसको फोल्ड करूँगी और इसको क्रीज बना दूँगी आयरन के साथ। थ्रू आउट पाइंचे में हम ऐसे ही क्रीज बनाएंगे 1 इंच की।
अगर आप यहाँ पर चौक के साथ पहले निशान लगाना चाहें तो आप वैसे मार्किंग करने के बाद भी इसको फोल्ड कर सकती हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इंची टेप से मैया करके क्रीज बना रही हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ पर थ्रू आउट जो है पैंचे पे क्रीज बन गई है। अब मैंने इसको फोल्ड करना है, लेकिन मैंने इसको फोल्ड अगेन दोबारा कहाँ तक करना है, जो मैंने अपनी ओरिजिनल लेंथ से नीचे की तरफ वाली जो है मार्किंग की है, मैं इसको वहाँ तक फोल्ड करूँगी। ये देखिए जो ओरिजिनल लेंथ है जहाँ पे कट है वहाँ तक हमने इसको फोल्ड नहीं करना, इसको हमने 1 इंच नीचे तक फोल्ड करना है और अगेन हम यहाँ पर इसकी क्रीज बना देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है उससे 1 इंच नीचे मार्क करके हमने अपनी सेकंड क्रीज बनानी है। ये देखिए थ्रू आउट मैं इसको रेडी कर चुकी हूँ। अब हम इसको ओपन करेंगे और सिर्फ 1 फोल्ड को रखते हुए ये देखें इस तरीके से इसको मिलाते हुए, जैसे हम पैंची की सिलाई लगाते हैं साइड की, वैसे हमने शलवार की या ट्राउज़र की जो हम साइड की सिलाई लगाते हैं अब हम वो लगाएंगे। ठीक है, 1 फोल्ड हमने खोल दिया है जबकि नीचे का 1 इंच का फोल्ड हमारे पास वैसे का वैसे ही है। ये देखिए 1 इंच फोल्ड वैसे ही रख के सेकंड फोल्ड अभी हम इसको नहीं देंगे, सिर्फ 1 इंच का फोल्ड जो हमने क्रीज बनाई थी उसको फोल्ड करते हुए ये हम साइड की सिलाई दे लेंगे पहले। यहाँ पर पहले हम अपना पैंचा मेजर कर लेते हैं। 6, 7 या 8 इंचेस तक आप पैंचा दे सकते हैं, मैं यहाँ पर 7 इंचेस रख रही हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लॉक करते हुए सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए कट हमारा कट के ऊपर आना चाहिए, आगे पीछे ना हो। और अब हम इसको स्ट्रेट रखते हुए नीचे से सिलाई कर लेंगे। साइड की सिलाई देने के बाद हम इसको जो है पैंची को बाकी का इस पैंची पर काम करेंगे। आसन पर लाकर मैं इसकी सिलाई को यहाँ पर ख़त्म कर दूँगी। और अब हम ये देखें इसको जो हमने सेकंड क्रीज बनी हुई थी उसके लिए फोल्ड करना है, लेकिन इसके अंदर की साइड हमारे पास कपड़ा ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए हम इसको पहले कट करेंगे। और क्योंकि मैंने मार्किंग की हुई है ओरिजिनल लेंथ की, इसलिए मैं यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग दोबारा से कट लगा देती हूँ ताकि मुझे अपना बाकी का काम करने में आसानी रहे। ठीक है, और अब हमने इसको भी यहाँ पर सीम अलाउंस को अगेन दोनों साइड पर फोल्ड करते हुए इसे हमने प्रेस करना है। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सेंटर वाली क्रीज पे किया था, और इसे दोनों साइड पर हमने सीम अलाउंस को फोल्ड करके प्रेस किया था। अब ये देखें इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जो हमने सेकंड क्रीज दी थी उसी के अकॉर्डिंग सिलाई के ऊपर सिलाई रखेंगे और उसके बाद हमने इसको थ्रू आउट जो है सिलाई देनी है। ठीक है, अगेन ये देख लें कट जो ओरिजिनल लेंथ है उससे 1 इंच नीचे ये सारा काम हो रहा है। जो हमने पहले क्रीज दी थी उसी के अकॉर्डिंग अब हमने सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए यहाँ पर एक और सिलाई देनी है, जिससे हमारा ये पैंचा जो होगा ये अटैच हो जाएगा। ये पैंचे की फोल्डिंग हमने ट्राउज़र के उल्टी तरफ कर रहे हैं अभी,
ये राइट साइड नहीं हो रही, बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई देते हुए हमने कपड़े को नीचे से हटाते जाना है, ताकि नीचे से जो पाइंची की दूसरी साइड है वो इसके अंदर ना आ जाए सिलाई करते वक्त। और बहुत ही ध्यान से हमने बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे ये सिलाई देते जाना है। ये हमारे पास मीट आ गया, और मीट पे भी हम वैसे ही सिलाई के ऊपर सिलाई रखेंगे अपनी, और उसके बाद इसको स्टिच कर देंगे। कहीं पे कपड़ा हमारा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अच्छे से सेट करके इसको हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे। लॉक करेंगे स्टिच को, एंड दैट्स इट। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो है, ज़्यादा हमारा काम जो है वो तकरीबन हो चुका है। एक्स्ट्रा जितने थ्रेड हैं उनको हमने रिमूव कर देना है। और आप ये देखिए, यहाँ पर हमारा पाइंचा जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब इसको हम राइट साइड पर फोल्ड करेंगे, जो हमने 1 इंच का गैप किया था। तो ये देखिए, एग्जैक्टली हमारे कट के ऊपर आती है, और ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। इस वजह से हमने 1 इंच नीचे पहले सारी अपनी मार्किंग की थी, और अभी हमने 1 इंच का जो है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है पैंट शेप देने के लिए, ठीक है। बिल्कुल हमने सेंटर में रख के सिलाई के ऊपर सिलाई देनी है नीट तरीके से। ये सिलाई हम राइट साइड पे देंगे, क्योंकि पैंट जो है नीचे से राइट साइड पर टर्न होती है, ठीक है। सेम वैसे ही ये पैंट आपका बन जाएगा। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही सीधी तरफ फोल्ड करेंगे इसको, और अब सिलाई के ऊपर हम सिलाई देंगे सेंटर में। यहाँ पर हमने अपने स्टिचेस को लॉक ज़रूर करना है। एक्स्ट्रा जितने भी थ्रेड हैं उनको रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर ये यह हमारा जो है पैंट ट्राउज़र का पाइंचा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको प्रेस करेंगे और ये इसकी फाइनल लुक देख लीजिए। और नीचे से देखें इसकी कितनी नीट लुक आ रही है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन